नाम तो बताना पड़ेगा, आम का ठेला और लिखा हुआ है ठेले पर निसार फल। जी हाँ, यूपी की तर्ज पर एमपी में भी दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखे होने की मांग होने लगी है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि दुकान पर दुकान के मालिक का नाम लिखने के लिए नियम बनाया जाए। उनकी माने तो दुकान के बाहर मालिक का नाम लिखने से दुकानदार की गुडविल बनेगी। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने भी यूपी के तर्ज पर एमपी में दुकानों के बोर्ड पर मालिक के नाम लिखने की मांग को सहमति दी है। कहा कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते के दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों पर मालिक का नाम लिखा नहीं मिला तो अपने हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनके उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है। नाम लिखना लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान को भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग से मांस की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। इंदौर में दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की मांग पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए और ऐसा नियम है कि दुकानदार का नाम लिखा हो। उनकी माने तो अगर प्रदेश में नियम बनता है तो ये अच्छी बात है। अपनी स्वयं की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ति है? नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है, तो अपने संस्थान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम यदि लिखते हैं तो अच्छी बात है। पता रहे ना, मान लो किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी हो, ग्राहकों के नियम का उल्लंघन हो, तो वो ग्राहक किस प्रोप्राइटर को नोटिस दे ये मालूम होना चाहिए। और अगर रमेश मेंदोला जी ने इस बात के नियम नहीं है और नियम बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है तो यह स्वागत योग्य है। इस बीच दुकानों पर मालिक का नाम लिखने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एमपी के अंदर रमेश मेंदोला के पत्र पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को चिट्ठी लिखी है, आरोप लगाया कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एमपी में यूपी मॉडल की मांग को चिंता का विषय बताया है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, जिस तरह से यहां अब मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर बीजेपी विधायक ने मांग की है दुकानदार दुकान का नाम लिखे, लेकिन उस मांग पर अब मिथुन अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता की चिट्ठी आ गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है राजनीतिक तौर पर वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता अपने ही इतिहास को पढ़ना भूल जाते हैं। कांग्रेस जिसे ध्रुवीकरण तुष्टीकरण बता रही है, 2006-2011 में जब यूपीए की सरकार थी, फूड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नाम को सार्वजनिक करना, जो खाद्य के जो रेस्टोरेंट्स और ये चल रहे थे उसमें किसने नोटिफिकेशन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। और रमेश मेंदोला जी ने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा है, हम सबको अपने नाम, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होती है। एक हेल्दी कंपटीशन होता है जो हमारे नाम से हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी बिक्री होती है, उसकी एक पहचान बनती है, तो इसमें आपत्ति क्या है? नेहा बग्गा का अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो भी सार्वजनिक करेगी, आपका है तो वो भी, और मिथुन अहिरवार का है तो वो भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ये तो हम सभी करते आ रहे हैं। लेकिन मिथुन अहिरवार ने जो पॉइंट उठाया है नेहा जी, वो उन्होंने ये लिखा है कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं दलितों को लेकर, ऐसे में दलितों की आर्थिकी को, उनकी दुकान को उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। देखिए मिथुन जी जिस चीज को सामने लेकर आ रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की कुंठा है,
और कांग्रेस को तो ये सार्वजनिक करना चाहिए कि 2011 का 2006 का जो नोटिफिकेशन है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किसी कुंठा से ग्रसित होकर, किसी ध्रुवीकरण के एजेंडे से ग्रसित होकर बाहर निकाला था या फूड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत निकाला था? अगर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ये किया है और ये हमारे देश में इस वक्त का नोटिफिकेशन पूर्व में निकल कर आया है, तो या तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लें, और या फिर अगर उन जानकारी में है तो अपने पार्टी के नेतृत्व पे इस पे क्षमा याचना करने की बात कहें कि जो कांग्रेस ने निर्णय लिया था उसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। इससे हेल्दी कॉम्पिटिटिव हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे नाम का प्रचार प्रसार होगा, और ये हर प्रोफेशन का व्यक्ति करता है, चाहे डॉक्टर अपनी नेम प्लेट लगाए, चाहे लीगल एडवाइजर अपनी नेम प्लेट लगाए, चाहे प्रिंसिपल्स अपनी लगाते हैं, हर व्यक्ति अपने नाम की नेम प्लेट लगा कर बैठता है। मनमोहन सरकार का ही फैसला रहा नाम जाहिर करने का, उसके बावजूद कांग्रेस का ये विरोध, किस तरह से देख रहे हैं आप? नेहा जी, तो नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और कहा कि कांग्रेस की सरकार में ये फैसला आ चुका था, ये नोटिस लाया गया था, लेकिन अब इस पर हो हंगामा क्यों, इस पर क्यों इतना हल्ला कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है? और अब बात करते हैं आसमान से बरस रही आफत की। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर हाईवे जाम हो गए हैं, आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, कई जगहों पर पानी भर गया है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, कई जगहों पर जाम में गाड़ियां फंस गई हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो कई गाँव का शहरों से संपर्क टूटने का खतरा पैदा हो गया है। सुकमा में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। जगरगुंडा के मल्लेबाग में उफनते नाले को गांव वाले पार कर रहे हैं। दो दिन से इलाके में हो रही है भारी बारिश, इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लगातार बारिश होने के बाद जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे हैं। वही दंतेवाड़ा की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हवा के साथ तेज बारिश होने से सड़क पर पेड़ गिर गया, दंतेवाड़ा से बचेली जो रास्ता है वो जाम पड़ा हुआ है, आवागमन पूरी तरह से बंद है, कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, ये सड़कें खाली हैं क्योंकि यहां पर आवागमन बंद है। अब दिखाते हैं तस्वीरें आपको दंतेवाड़ा, बीजापुर की माफ कीजिएगा, जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भैरमगढ़ के यात्री बस स्टैंड में बारिश के बाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। नेशनल हाईवे के दोनों ही तरफ जाम लगा हुआ है, जिले के सीमा से लगे इंद्रावती का भी जलस्तर बढ़ गया है, गंगालूर चेरपाल मार्ग भी ठप पड़ा है, विगांचल नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है, उसूर के बासागुड़ा तालपेरू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कांकेर में लगातार बरसात से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, दुध नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, भानुप्रतापपुर अंचल में भी लगातार बारिश हो रही है, संबलपुर चवेला मार्ग स्थित खंडी नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है, आवागमन पूरी तरह बंद हुआ है। कोंडा गांव में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है, लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, बाढ़ के हालात बन सकते हैं। जोंद्रा पदर पुल, बमहनी पुल, यहाँ सड़क से कुछ ही नीचे बह रहा है पानी, बाढ़ आने के बाद कई गांव का शहर से संपर्क टूट सकता है। देश के कई इलाकों में मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट है, यूपी उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर आशंका व्यक्त की गई है। इन सबके बीच देश के कई हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया है।
सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें, देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। ये वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजीर धोद नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पाथला गांव से आई तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है, कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके
रस्सी डलवा के करीब करीब आधा घंटा रेस्क्यू की, आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर हादसे भी हो रहे हैं, कहीं पेड़ गिर जा रहा है, कहीं मकान को नुकसान पहुंच रहा है, सड़कें नजर नहीं आ रही हैं और लगातार जो आम लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोंडा गांव में भारी बारिश का कहर, जहां बड़े कनेरा मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, सड़क के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, सड़क से पेड़ हटाने की कोशिश जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह से ये भारी भरकम पेड़ जो सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ है और पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। तो कोंडा गांव में भारी बरसात से नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इलाके में बाढ़ के हालात हैं। जोंधरा पदर और बमहानी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जोंधरा पदर पुल से आवाजाही बंद है, मौके पर नगर सेना के जवान तैनात हैं। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल की दीवार गिर गई, जिसमें दीवार गिरी उस समय स्कूल में लंच था। दीवार गिरने से आधा दर्जन बच्चों को चोट लग गई, क्लासरूम के अंदर टीचर भी मौजूद थी। दीवार गिरते ही कुछ बच्चे बाहर भाग निकले तो वहीं टीचर बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ी और देख सकते हैं यहाँ पर टीचर बच्चों को बचाते हुए, देखिए क्लास के अंदर है, सब लंच चल रहा है, अचानक से दीवार गिरती है ऊपर से और टीचर बच्चे पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं। टीचर वहां बच्चों को इकट्ठा करती है, उन्हें वहां से हटाती है, फिर देखती है कि वहां कोई बच्चा तो चोट नहीं आई बच्चे को, और गनीमत रही कि इसमें जो दीवार के नीचे छह बच्चे आए, ज्यादा चोट नहीं निकाल आई, गनीमत रही सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। छह बच्चे दीवार के गिरने से उस मलबे के नीचे दब गए। टीचर भागती है उस तरफ जहां पर दीवार का हिस्सा गिरा था और टीचर उसके बाद मलबे को हटाकर वहां देखने की कोशिश करते हैं। लोग कोई बच्चा दबा तो नहीं हुआ, बच्चे बैठे हुए हैं नॉर्मल क्लासरूम में, अचानक से दीवार का हिस्सा गिरता है और उसके बाद ये हादसा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम का समर्थन किया है। कहा कि जिस तरीके से जंगल और पेड़ काटे गए हैं उसकी भरपाई करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा पौधे लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से नेटवर्क 18 के इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। जब तक हमें पेड़ों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी, जिस ढंग से जंगल कटे हैं, जिस ढंग से मानव समाज ने विस्तार किया है, जिस ढंग से सड़कें बनी हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है और उतनी बड़ी संख्या में पेड़ हम अभी लगा तो पाए हैं लेकिन उन्हें जीवित रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे। अब धीरे धीरे जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, हमने दूरी बना ली है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि नेटवर्क 18 की मुहिम से छुड़ करके वन 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 ट्री को सफल बनाएं।